हेलो गाइज कैसे हैं आप लोग आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं प्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्टबुक पर सो जल्दी से आ जाइए फटाफट सेशन को ज्वाइन करिए मुझे बताइए एक बार इस द ऑडियो इसके क्लियर और नॉट कल हम लोगों की हिस्ट्री की क्लास की स्टार्टिंग हम लोगों ने कर दी थी और हम लोगों का हिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है और क्लास को करते रहना है राइट सो गुड इवनिंग रामू वर्मा जी गुड इवनिंग और सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से गुड इवनिंग कुलदीप धाखड़ जी गुड इवनिंग दोस्त कैसे हो आप और सभी लोगों को गुड इवनिंग एक बात ज़िंदगी में याद रखेगा कि जो बुरा लगे उसे तुरंत ही त्याग देना चाहिए फिर चाहे वह विचार हो कर्म हो या फिर मनुष्य हो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है तो उसको तुरंत त्यागने की कोशिश करिए अगर किसी चीज़ का मोह है किसी चीज़ के अगर प्यार है तो देखिए कि प्यार की कीमत आप क्या चुका रहे हैं अगर आपकी प्यार के बदले आपकी जो कीमत है वो ज़्यादा जा रही है तो उस चीज़ को तुरंत छोड़ देना चाहिए चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई आपका मित्र हो चाहे होगा आपकी महिला या पुरुष मित्र हो या चाहे आपकी कोई कुछ कोई कुछ, कुछ भी हो राइट right, अगर आपको मेंटल पीस नहीं मिल रही है अगर आपके सफलता के आड़े आ रही है कोई चीज़ तो उसको तुरंत ही उसको क्या कर देना चाहिए ड्रॉप करना चाहिए जो भी चीज़ है लेकिन यहाँ पर देखना चाहिए कि मतलब दो 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 चीज़ें होती हैं ऐसा भी नहीं हो सकता कि इतने भी नहीं प्रैक्टिकल हो सकते कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए राइट तो आप देखिए वहाँ पर कि क्या उसको छोड़ सकते हैं या छोड़ा जा सकता है क्या हो सकता है तो एबिलेट करके आप अपना फैसला लीजिए ज्यादा ठीक रहेगा और लाइफ में आगे बढ़िए राइट जो भी चीज़ आपको ऑप्शक्ल बन रही है आपके लिए मैं तो कहता हूँ उसको हटा दो अभी जब तक स्टूडेंट लाइफ है तब क्योंकि अभी आप अपने लिए सक्षम हो जाइए पहले आप खुद पैरों पर खड़े हो जाइए उसके बाद आप जो भी करना है वो करिए उसके बाद राइट लेकिन अभी आपको पहले खुद के पैरों पर खड़े होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं आ, सब बच्चे कम आते हैं इसकी वजह से आप बैच तो बंद नहीं कर दोगे नहीं नहीं बच्चे कम नहीं आएंगे बच्चे अभी आएंगे और आएंगे मुझे विश्वास है कि बच्चे आएंगे पढ़ने वाले बच्चे अभी हैं मार्केट में ऐसे नहीं हैं ठीक है बाकी चीज़ें देखने वाले भी हैं मार्केट में लोग देखते हैं कुछ और जाके चाहते हैं क्लास में वो तो हम दे नहीं पाएंगे लेकिन हम पढ़ा देंगे तो पढ़ने वाले भी की संख्या भी है तो वो आएंगे और आप लोग भी कोशिश करिए कि बैच को प्रमोट करिए सेशन को शेयर करिए जितना जल्दी हो सकता है उतना लोगों के पास भेजिए उसको लेके आइए राइट ठीक है चलो भाई था साहब क्या नाम आपका कुलदीप धाकड़ नाम अच्छा रखे हो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे तो अभी हम हड़प्पा सभ्यता करेंगे कल की क्लास जो रहेगी उसमें हम लोग क्या करेंगे हम लोग कल उसमें वैदिक सभ्यता को करेंगे यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन को करेंगे और वहाँ पे हम जानेंगे आर का आगमन पहले हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक बाई टॉपिक आपका कंप्लीट होगा भले ही हिस्ट्री में हमको एक महीना लग जाए कोई दिक्कत नहीं है कि इतिहास पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगना चाहिए कि अपन ने इतिहास पढ़ा हमको इतिहास आता है लाव क्वेश्चन कहाँ से लेके आओगे लूसेंट लगानी लगा डालो केड़े लगानी लगा डालो मॉक करने बैठो तो कम से कम सत्तर परसेंट आपको क्वेश्चन आने चाहिए तब तो आपने पढ़ा है वरना पर डाला ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं हमने आपको बताया था कि कुछ साइट्स के बारे में बात की थी हम लोगों ने कल अब हम जानते हैं कुछ उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे राइट बाकी आपका ये जो सेल चल रही है विजय भव सेल यूपी पुलिस के लिए जहाँ पर टू सिक्सटी में आपको सिर्फ ये आपका ऑफ़र जो है आपको मिल रहा है और जहाँ पर आप जाकर छः महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं आसानी से जहाँ पर आपको सिक्स महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको कोड लगाना है मेरा ए कोड है इसको ध्यान रखिएगा जो भी परचेज़ करिए उसमें कोड लगाइए ए आपको डिस्काउंट मिलेगा ठीक है हमने बात कर ली थी सिविलाइजेशन की कि किस जगह पर किस एरिया में सिविलाइजेशन फली फूली बढ़ी क्यों इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं और क्यों इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं और क्यों इसको हम लोग मोहन जोदाड़ो के नाम से भी जानते हैं ये तीन पॉइंट हमने कल क्लियर कर लिए थे इसके बाद हमने आपको एक साइकिल बताई थी कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हम लोगों का हिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट पर हमको ध्यान देना है और कहाँ कहाँ पर इतिहास को हमको पढ़ना है पहली बात राइट इसके अलावा हमने ये देख लिया था कि इसकी कौन कौन सी साइट हैं नॉर्थ में कौन सी साइट होगी पूरब में सबसे साइड कौन सी है पश्चिम में साइड कौन सी है उत्तर में साइड कौन सी है और सबसे दक्षिण में साइड कौन सी है तो हमने उन साइड की भी बात कर ली आज हम क्या करेंगे आज हम बची हुई थ्यूरी करेंगे आज क्या करेंगे हम बची हुई थ्यूरी करेंगे तो हम थ्यूरी भी करेंगे बची हुई और इसके साथ साथ में हम लोग इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे देखो यार मैं आपको बता दूँ मेरा क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो क्वेश्चन का लेवल हलवा नहीं रहेगा पहले मैं बता दे रहा हूँ दिस इज़ नॉट हलवा अगर मैं आपको इस तरीके से थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस लेवल पर तैयार करूंगा यहाँ पर ताकि आप यहाँ वाले एग्ज़ाम जो है एकदम चुटकियों में यूँ निकाल लें राइट और जब पी में भी बैठे हैं अगर आप पेपर देने के लिए तो आपको वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं खलनी चाहिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पढ़ने के बाद आप पी के लिए पढ़ें तो दोबारा से पढ़ें राइट मेरा यही मकसद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें राइट आगे बढ़ते हैं फिर ये आपको मैंने साइड बताई थी कि इस तरीके का हमको पूरा शहर मिला है बसा हुआ जहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमको देखने को मिली हैं अब कहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिली है उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर लेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं सर अब वैकेंसी नहीं आएगी क्या यूपी पुलिस की कोरोना आ रहा है प्लीज़ बताओ कुछ लोग बता रहे हैं अरे अभी कोरोना तो चलता रहता है लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं लगेगा टेंशन ना लो लॉकडाउन नहीं लगेगा ये लॉकडाउन की आ, आ, की अफवाह है कोई दिक्कत लॉकडाउन नहीं लगेगा डोंट वरी अबाउट इट लॉकडाउन नहीं लगने वाला है तो परेशान ना होइए ठीक है इसके अलावा यहाँ बढ़ते हैं यह हमने सीलों की बात कर ली थी कि हमको मोहरे मिली हैं इन मोहरों से हमको बहुत कुछ पता चला है मोहरे मिली हैं सीले मिली हैं इसके अलावा हमने यहाँ पर आप लोगों को ये बताया था किस साइट का कौन खोज करता है तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट है महत्वपूर्ण तो साइट है उनके खोजकर्ताओं के बारे में भी हमने बात की यहाँ पर यह हमने बता दिया आपको इसके अलावा आपको मैंने नदियाँ बता दी थी कि किस नदी के किनारे कौन सी साइट है और जो फेमस साइट है जिन नदी किनारे पाई जाती हैं कौन सी साइट को हमको यहाँ पर याद करना है कौन से हमको याद रखनी है ये भी बता दिया था अब यहाँ से आते हैं हम लोग इसकी तरफ ये कि ये भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे नाचने वाली आपकी जो डांसिंग गर्ल है दिस इज़ कॉल्ड द डांसिंग गर्ल तो ये डांसिंग गर्ल की फ़ोटो मिली है मतलब आपका मूर्ति मिली है इसके अलावा ये जो है हमारे दाढ़ी वाले बाबा हैं तो दाढ़ी वाले बाबा हैं कोई भी इनको मोदी जी मत समझिएगा तो दाढ़ी वाले बाबा हो जाएंगे और ये आपका क्या है आपका आपका डबल बरियल सिस्टम है जहाँ पर एक इंसान के साथ बहुत सी चीज़ें दफनाते थे अब ये कहाँ मिली हैं किस जगह पे मिली हैं उसकी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे ठीक है कल की पीडीएफ, आज की पीडीएफ दोनों बेटा रोहित साथ में मिल जाएंगे क्योंकि इसी में अटैच है तो मैं पूरे टॉपिक वाइज पी दूंगा आपको जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी पी हम दे, दे देंगे ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं इसके अलावा देखा होगा आप लोगों ने जो ईंटें यहाँ पे मिली हैं आप ईंटों को देख सकते होंगे इन ईंटों का साइज़ और ईंटों का जो शेप है वो पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई हैं याद रखना ये या चीज़ पकी हुई ईंटें ही हमको यहाँ पर प्राप्त हुई हैं इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्या था ये लोथल हमको मिला है क्या ये लोथल मिला है और लोथल भी हमको बंदरगाह मिला है इसके साथ में हाउस मिले हैं नापने तोलने की चीज़ें यहाँ से मिली हैं और शतरंज जैसा जो गेम होता है वो गेम यहाँ से मिला है भूसी मिली है और यहाँ पर बंदरगाह भी पाया गया है जहाँ से व्यापार होता था आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा मोहन जोदड़ो की एक साइट है जहाँ पर एक सीटा डेल बना हुआ है सीटा डेल का मतलब होता है कि ऊंची बिल्डिंग जहाँ पर नोबल लोग रहा करते थे और नीचे वाले स्तर में यहाँ पर जो और लोग थे जो मध्यम लोग रहे होंगे या निम्न वर्ग के लोग रहे होंगे वो यहाँ पर रहते थे और ये नीचे क्या था पाया जाता था नीचे तालाब था इसको विशाल इस्नाना घर के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं विशाल इस्नाना घर भी कहते हैं उसको नोट कर लेंगे ये हमारा विशाल स्नाना घर है जहाँ पर देखिए सीढ़ियों से पूरा उतरने उतरने की पूरी व्यवस्था भी बनी हुई है इसको लोगों ने यही जाना यही हो सकता है क्योंकि इस एरिया में राइट आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएंगे जैसे कि अगर आपसे बात किया जाए कि यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा जैसे कि अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि दयाराम राम जी का नाम याद रखना पड़ेगा दया सानी जी का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है आपको क्यों याद रखना पड़ेगा क्योंकि दया सानी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की क्या की है यहाँ पर स्थापना की है 1921 में दया सानी जी के द्वारा की गई है और ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है ये रिवर रावी की नदी के तट पर स्थित है जो कि अभी पाकिस्तान पंजाब में पाया जाता है इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अलावा यहाँ से याद रखिएगा कि यहाँ पर हमें मानव शरीर की रचना मिली है रिक सेंड की मूर्तियाँ मिली हैं किसको बोलते हैं हम लोग सैंड की मूर्तियाँ भी मिली हैं राइट ये शायद पी में कन्वर्ट करने पर कुछ इधर उधर हो गया है बाकी मैं आपको सब बता दूंगा थोड़ा बहुत इसमें मत जाइएगा इन चीज़ों पर बाकी मैं आपको सब लिखा दूंगा ठीक है इसके अलावा यहाँ पर हमें अनाज के भंडार मिले हैं जहाँ पर अनाज के भंडार मिले हैं और इसके अलावा हमको यहाँ पर बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता में अनाज के भंडार जो मिले हैं वो हमेशा याद रखिएगा कि अनाज के भंडार जो मिले हैं वो हमको ऊंची साइड पर मिले हैं इस एरिया में मिले हैं अनाज के भंडार हमको नीचे नहीं मिले हैं कुछ लोगों ने बोला कि शायद अनाज के भंडार या जो कोसा ग्रह होगा वहाँ पर रखे जाते होंगे कुछ लोगों ने यह भी थ्योरी दी हो सकता है कि पानी या बरसात या बाढ़ की वजह से अनाज के भंडार ऊपर रखे जाते थे तो सवाल आपका पीसीएस और यू वगैरह में भी पूछा गया है कि अनाज के भंडार यहाँ पर किस जगह पर मिले हैं निचले स्तर पर मिले हैं या फिर आपके सीटा डेल में मिले हैं या नदी के किनारे मिले हैं कहाँ पे मिले हैं हमको अनाज के भंडार तो याद रखिएगा अनाज के भंडार हमको कहाँ मिले हैं ये सीटा डेल या ऊपरी जो गढ़ी गड़, एरिया है ऊपरी एरिया है वहाँ पे हमको मिले हैं आपके अनाज के भंडार मिले है। हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ से बैलगाड़ी मिली है बुलककॉट मिली है बैलगाड़ी मिली है कहाँ से मिली है बेटा यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता से मिली है आगे बढ़ते हैं कुछ मोहन से कुछ हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं मोहन इसको हम लोग माउंट ऑफ डेड कहते हैं या फिर मृतकों का टीला कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जब चरवाहे वगैरह लोग घूमने जाते थे तो उनको यहाँ पर हड्डियाँ मिलती थी तो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता में या सिंधु भाषा में इसको बोलते थे मोइन जोदाड़ो क्या बोलते थे मोइन जोदाड़ो यानी कि मरे हुए लोगों की जगह ये बोलते थे बाद में यही मोइन जोदाड़ो कन्वर्ट हो गया कहाँ पर ये मोहन जोदाड़ो में तो ये भी कहाँ पर है ये भी पाकिस्तान में पाई जाती है तो दोनों ही फेमस साइट हड़प्पा सभ्यता की चाहे वो हड़प्पा हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो या इसको बोले मोहन जोदोड़ो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट साइट कहाँ हैं पाकिस्तान में है ये जो रिवर है वो याद रखिए इंडस रिवर यानी कि जो सिंधु नदी है सिंधु नदी इस सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट है कौन सी लड़कना तो लड़कना डिस्ट्रिक्ट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट या लड़कना डिस्ट्रिक्ट पाई जाती है जो कि पंजाब में पड़ता है वो पंजाब जो कि पाकिस्तान में है याद रखना कि पंजाब जो है सिर्फ इंडिया में नहीं है कुछ पंजाब पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है सेकेंड पॉइंट यहाँ से आते हैं कि ग्रेट बात यहाँ से विशाल स्नाना की प्राप्ति भी हुई है ये पी डी एफ आपकी जिकी मिल जाएगी आप लोग बस ध्यान लगा के पढ़िए और जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैं लिखूँ उसको नोट कर लीजिएगा बस जो एक्स्ट्रा लिखूँ बाकी जो का दूँ ऐसे ही रखिएगा ठीक है इसके अलावा गेंद्री की बात करेंगे तो यहाँ पर अन्न भंडार की या अन्नागार की अन्नागार भी मिला है अन्न भंडार भी हमको यहाँ से देखने को मिलता है एंड थर्ड पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है यानी कि से की नाचने वाली लड़की की मूर्ति मिली है इसके अलावा सील ऑफ द पशुपति महादेव तो पशुपति महादेव की जो मोहर मिली है वो मोहर आपको हड़प्पा से नहीं मिली है वो मोहर आपको मोहन जोदड़ो से मिली है इसीलिए मोहन जोदड़ो बहुत फेमस साइट है क्योंकि यहाँ से सोशल लाइफ के बारे में पता है हमें रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चला है हमें वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चला है और हमें वहाँ की जो संरचनाएँ हैं उनके बारे में भी हमको पता चला है इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है इसके अलावा देखेंगे कि डाढ़ी वाले बाबा या दाड़ी वाले आदमी की जो प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है तो डाढ़ी वाले बाबा की जो प्रतिमा भी है वो हमको कहाँ से मिली है आपको यहाँ से मिली है इसके अलावा बुना हुआ कपास का, का टुकड़ा अगर पूछा जाए कि बुना हुआ कपास का टुकड़ा हमको किस साइड से प्राप्त हुआ है तो जिस साइड से हमको बुना हुआ कपड़े की प्राप्ति हुई है वो हो जाएगा कौन सा बेटा आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा तो यहाँ से कुल मिला के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये बारह सवाल आपके बनते हैं मोहनजोदड़ों से और करीब आठ सवाल बनते हैं आपके कहाँ से हड़प्पा से बनते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार जो है पूछे जाते हैं और इन्हीं को पीसीएस और यूपीएससी में स्टेटमेंट बना बना के पूछे जाते हैं इन्फॉर्मेशन सेम ही रहती है चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो चाहे वो एम पी हो चाहे वो एस हो चाहे वो सी हो चाहे वो जी हो जी कहीं नहीं बदलती है जी वही रहती है अकबर वही रहेंगे ऐसा नहीं होगा कि यू के अकबर अलग हो गए और पी के अकबर अलग हैं और यहाँ के अकबर अलग हैं राइट ऐसा नहीं होगा ना कि यू के एग्जाम में उनके अकबर खेलते हुए गोदी वाले हैं और पीसीएस के अकबर थोड़े बड़े हो चुके हैं और यूपीएससी के अब एकदम बोले वाले पूछे जा रहे हैं ऐसा नहीं है ना जी हर जगह सेम है हर एग्जाम में सेम है तो आपको बस पता होना चाहिए आपको और यही नहीं को बस तोड़ मरोड़ के पूछेंगे और कुछ नहीं अगर आप पास नॉलेज है तो सारे एग्जाम आप क्वालिफाई कर ले जाओगे ये मेरी बात मानो राइट एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ इसलिए ठीक आगे बढ़ते हैं एक साइड याद रखिएगा सतकांगेडोर तो सतकांगेडोर साइड के बारे में हमको क्या जानना है पहली बात तो इसकी जो खोज हुई है जस्ट हड़प्पा सभ्यता के कि आठ साल बाद और मोहन जो दड़ो के कितने साल बाद सात साल बाद एक खोज हुई है उन्नीस में और इसकी खोज किसने की है स्टीन ने की है तो स्टीन ने क्या किया इसकी खोज की है तो एक सवाल आपका ये बनता है दूसरा ये बनता है तीसरा आपका ये बनता है और चौथा सवाल यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा किस जगह पे पाई जाएगी तो ये भी बेटा कहाँ पर है पाकिस्तान में पाई जाती है और दास नदी के किनारे है किस नदी किनारे है दास नदी के किनारे पाई जाएगी कहाँ पर साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान वाले एरिया में ये पाई जाएगी जिसको बोलेंगे सतकडोर क्यों फेमस है क्योंकि फेमस इसलिए है क्योंकि ये एक ट्रेड पॉइंट हुआ करता था बिटवीन द हड़प्पा एंड द बेबी लॉन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको नोट रखिएगा कि हड़प्पा और बेबी लॉन के बीच में ट्रेड पॉइंट कौन सी जगह हुआ करती थी तो जो ट्रेड पॉइंट हुआ करता था वो था कौन सा हमारा ये सूद कांगेडोर था ठीक है बात याद रखना इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग पाकिस्तानी ठीक है सब लोग आप करते रहिएगा यूपी के बारे में एस एस के बड़े हो गए एग्जैक्टली अब आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले पॉइंट की तरफ कि यहाँ पर देखिए जब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ तो फिर मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा पहले बता दे रहा हूँ आपको मैं कि जब आपको मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ तो मैं कमेंट पे ध्यान नहीं देता हूँ तो आप में से कोई भी नाराज़ नहीं होगा कि मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है मेरा कमेंट नहीं देखा जा रहा है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आंसर देखने के लिए लैपटॉप पास जाता हूँ कमेंट देखता हूँ अभी मैंने आपको थ्योरी की क्लासेस नहीं पढ़ाई हैं यूट्यूब पर इस चैनल पर अब मैं थ्योरी की क्लासेज शुरू कर रहा हूँ एक्चुअली देखा जाए तो आपको मज़ा भी आएगा और जो भी चीज़ों की इमेज दिखानी होगी वो मैं इमेज दिखा दूंगा जो पढ़वानी होगी वो पढ़वाऊंगा राइट और जब मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको तो मेरा ध्यान इधर लैपटॉप पर कम ही रहेगा इसलिए आप लोग थोड़ा सा नाराज मत होइएगा ठीक है मेरा नाम लो नाम लो नाम लो ठीक है उस चक्कर में मत पड़िएगा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर ठीक आगे बढ़ेंगे कुछ आग अगर डाउट आएगा तो मैं यहाँ पे ऐसे करके देख लूँगा सर आप यूपी जे के आप नहीं पढ़ाता है रोहित शर्मा जी मैं ही पढ़ाऊंगा यहाँ पर जो भी जी के जे पढ़ाई जाएगी मैं ही पढ़ाऊंगा चिंता मत करिए ठीक इसके अलावा देखेंगे आप पर अगर चौंदड़ों के साइड की बात करेंगे चौंदड़ों से क्या क्या सवाल बनते हैं तो चौंदड़ों की अगर बात करते हैं तो चौंदड़ों की जो खोज हुई है वो उन्नीस में हुई है और एन जी मजूमदार ने इसकी क्या की है खोज की है ये खोजकरा हो जाएंगे इसके और यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो मिली साइड मिली कहाँ पर याद रखेगा तो ये सिंध जो है इंडस रिवर सिंध ऑन द इंडस रिवर पर आपकी जो साइट है ये हमको देखने को मिलती है इसके अलावा यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमको प्राप्त हुई हैं जैसे कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो मनका होता है मनका तो मनका बनाने वाली जो दुकानें मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं तो आपको ये चौंतड़ों से मिली हैं राइट चौंदड़ों से राइट तो बोला चाहत चाह चु से क्या हो जाएगा चाहत चाहत में आदमी क्या देता है गिफ्ट देता है गिफ्ट में क्या देगा मन के देगा ठीक है इसके अलावा फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट तो जब चाहत नहीं होती है कुत्ते बिल्ली में चाहत का ही तो मामला है सब देखा जाए तो तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हो कि दिस इज द मैटर ऑफ़ द चाहत यहाँ पे चाहत है तो आदमी लोग अंगूठी गिफ्ट करते हैं हीरे गिफ्ट करते हैं चाहत नहीं है तो पीछे बढ़ के नोच खोज के खा भी जाते हैं जैसे कि कुत्ता किसको खा रहा है बिल्ली को खा रहा है और ये यहाँ पर कहाँ पर मिला है आपका ये चौंधड़ों में मिला है राइट याद कर लेना और इसके बाद देखेंगे आमरी एक साइट है आमरी साइट भी आपकी पाई जाती है और ये आमरी साइट क्यों फेमस है किस लिए फेमस है क्योंकि ये यहाँ पर मृग प्रमाण मिले हैं यानी कि एंटीलोप एविडेंस मिले हैं कहाँ से आमरी से तो आ से क्या हो जाएगा आपका आमरी और आ से क्या हो जाएगा आपका एंटीलोप ठीक है तो ऐसे करके आपको याद रखनी है बाकी की चीजें क्लियर आगे बढ़ेंगे फिर एक साइड आती है काली बंगन काली बंगन जो है आपका याद रखना काली बंगन काली बंगल याद रखिएगा तो इसकी जो खोज हुई है ये आज़ादी के बाद हुई है और ये भारत में पाई जाती है यानी कि हमारे इंडिया में पाई जाती है और ये साइट जो है कहाँ पर है राजस्थान में है काली बंगन जिसकी खोज की है किसने घोष ने खोज की है और उन्नीस में इसकी खोज जो है वो की गई थी नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ से याद देखिएगा कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज की गई है क्यों फेमस है देखना काली बंगन काली बंगन याद देखिएगा काली बंगन देखिए ऐसे करके याद रखना काली बन गन काली बन गन ऐसे करके याद रखिएगा अब देखो यहां पर पहली बात काली से क्या हो जाएगा जब कभी आग लगती है आग लगने के बाद उसकी जो धुआं निकलता है उसे क्या हो जाता है ना काली हो जाता है तो काली से मतलब आग यानी कि फायर अल्टर्स जो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं वो कहाँ पे मिली हैं आपकी काली बंगन में मिली हैं बन से क्या हो जाएगा बन से याद बन या बोन्स बन या बोन्स करके ऐसे पढ़िएगा बन या बोन्स तो बन को कर दीजिए बोन्स कर दीजिए तो जो बोन्स मिली है वो कहाँ पे मिली है हमको कैमल की बोन्स वो मिली है आपको काली बंगन से मिली हैं और यहाँ पर गन गन गं मतलब गन्ना गन्ना उगाने के लिए क्या चाहिए होगा गन्ना उगाने के लिए हमको खेत जोतना पड़ेगा ना खेत जोतने के लिए क्या चाहिए होगा हल चाहिए होगा तो गन्ना उगाने के लिए खेत जोतना पड़ेगा और खेत जोतने के लिए क्या करना पड़ेगा हल चाहिए होगा तो हल भी कहाँ से मिला है आपको ये काली बंगन से मिला है तो ये तीन चीज़ें आपको मिली हैं इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं जहन में बिठा सकते हैं नेक्स्ट आता है आपका आर राव उन्नीस तो आर राव उन्नीस सौ तिरपन में इन्होंने खोज की है किसकी बेटा है यहाँ पर लोथल की खोज की है लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट पाई जाती है जो कि हमारे गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है कहाँ पर है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे जो है ये पाई जाती है इस बात को याद रखना और क्यों फेमस है क्योंकि ये याद रखिएगा पहला मैन मेड पोर्ट मतलब मानव निर्मित बंदरगाह जो पहला मिला था वो कहाँ पे मिला था लोथल अब लोथल का मतलब देखिए लो का मतलब हो गया नीचे थल का मतलब थल मतलब जमीन होती है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लो थल तो लो अगर थल थल का मतलब क्या होता है जमीन होता है और जमीन नीचे मतलब नीचे जमीन होगी तो यहाँ पे पानी भर जाएगा पानी भर जाएगा तो यहाँ पे क्या बना दिया जाएगा बंदरगाह भी बना दिया जाएगा राइट तो हो जाएगा लोथल तो लो थल है इसलिए यहाँ पे क्या था बंदरगाह था और पहला मैन मेड पोर्ट यानी कि पहला मानव निर्मित बंदरगाह जो मिला है वो कहाँ पे मिला है हमको लोथल में मिला है इसके अलावा डोकेार्ड की बात करते हैं यहाँ पर वो डोकेट भी यहाँ पे मिला है राइस हस्क मैंने बताया था ना कि चावल की भूसी तो चावल की भूसी भी आपको कहाँ से प्राप्त हुई है लोथल से प्राप्त हुई है फायर अल्टर्स राजस्थान में कालीबंगन और लोथल दोनों से ही आपको फायर अल्टर्स या अग्निवेदिकाएँ मिली हैं इसके अलावा चेस का गेम जैसा चेस जैसा कोई गेम था वो गेम भी कहाँ से मिला है आपको लोथल से मिला है राइट तो ये भी याद रखेंगे ठीक है यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को किसी तरीके का हाँ अभी डेवलप किया जा रहा है लोथल डेवलप किया जा रहा है और ऐसा भी गुजरात की स्कीम में है लोथल को डेवलप किया जा रहा है राखी गढ़ी को डेवलप किया जा रहा है ये सब चीज़ें अभी आपकी करंट में भी आपकी पूछी जा रही हैं राइट सेशन को शेयर करते रहो बता रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ चलो इसके अलावा बढ़ते हैं आगे की तरफ एक हमारा आता है सुर कोतड़ा आता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा ब्लू में है तो आपको साथ दिख नहीं रहा होगा सुर कोतड़ा सुर कोतड़ा लिख लीजिए यहाँ पर तो सुर कोतड़ा में यहाँ देखिएगा कि ये भी कहाँ पर गुजरात में है और जे पी जोशी ने क्या की इसकी यहाँ पर क्या की है आपकी खोज की है जहाँ पर घोड़ों की हड्डियाँ मिली हैं तो घोड़ा कैसे दौड़ता है ना सरपट सरपट दौड़ता है घोड़ा कैसे दौड़ेगा सरपट सरपट दौड़ेगा तो सरपट से क्या हो गया सुरख सर से सुरख उतरा हो गया और सरपट कौन दौड़ता है तो घोड़ा दौड़ता है तो यहाँ पे घोड़ा की क्या मिली है आपको यहाँ पर हड्डियाँ मिली हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर मोती भी हमको क्या मिले हैं प्राप्त किए हुए हैं फिर आपकी साइट आती है बनावली तो बनावली जो साइट है आपकी ये सरस्वती नदी के किनारे पाई जाती है बनावली सरस्वती नदी किनारे पाई जाती है और इसकी जो खोज हुई है वो खोज किसने की है आज यहाँ आर एस ब्रिस्ट ने की है उन्नीस में और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कहाँ पर हरियाणा में यहाँ पर पाई गई है कौन सी बनावली साइट अब यहाँ से याद देखिएगा कि यहाँ पर क्या क्या मिला है यहाँ पर मिला है आपको क्या बीट्स मिले हैं यानी कि यहाँ पर मोती मिले हैं बारले मिला है क्योंकि जौ मिला है एविडेंस ऑफ द बोथ प्री हड़प्पा एंड द हड़प्पा कल्चर के मिले हड़प्पा कल्चर के पहले के भी कुछ साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं जहाँ पे लोग खेती बेती किया करते थे तो प्री हड़प्पा साइट भी यहाँ से प्राप्त हुई है और यहाँ पर मतलब और दो तीन चीज़ आप कह देखें यहाँ पे बस और इसके अलावा याद देखिएगा धोला बीला तो एक साइड और आती है धोला बेरा धोलाबीरा क्यों फेमस है धोलाबीरा देखेंगे धोला बीरा जो है गुजरात में है रण ऑफ कच्छ में पाई जाती है इसकी खोज भी किसने की है आर एस विस्ट ने की है उन्नीस में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मिला है ये यहाँ पर मिला है आपका ये वाटर हार्नेसिंग सिस्टम तो यहाँ पर बेटा जो जल दोहन प्रणाली मिली है यानी कि जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है वो कमाल का मिला है यहाँ पर आप देखेंगे कि वाटर रिजर्वायर जो मिले हैं जलाशय मिले हैं ये भी कहाँ मिले हैं आपके ये आपके इसी जगह पर मिले हैं कहाँ पर गुजरात में और धोला बेरो को अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है और इसको शामिल करने के बाद टोटल इंडिया में आई थिंक 40 यूनेस्को की साइट हो जाती हैं 40 जो है वो यूनेस्को की साइट्स हो गई हैं इंडिया में जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं फोर्टी हो गई हैं क्या साइट्स हो गई हैं ये बात याद रखना ठीक है बात क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अब देखते हैं अगले अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट यहाँ से क्या आता है अब बात करते हैं किसी फेजेस की बात करते हैं ये तो हो गई बेसिक बेसिक्स चीज़ हो गई कि कहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है अब फेजेस या चरण की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चरण हमको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं अगर मैं इन चरणों की बात करूँ तो चरण में देखेंगे आप पहली बात हड़प्पा सभ्यता के तीन चरण हमको देखने को मिलते हैं और वो तीन चरण कौन से हो जाएंगे पहले तो हो जाएगा हड़प्पा का पहला सा चरण हो जाएगा जैसे कि अर्ली हड़प्पा फेज बोलते हैं इसको दिस इज द पहला चरण जिसको हम लोग अर्ली हड़प्पा फेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ हड़प्पा सभ्यता का बनना शुरू हुआ और ये हड़प्पा सभ्यता देखेंगे कि तैंतीस से छब्बीस ईसा पूर्व तक की एज जो है वो मानी जाती है अर्ली हड़प्पन फेज़ या बोले इसको प्रारंभिक हड़प्पा चरण के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे कि द मैच्योर हड़प्पन फेज मतलब जब हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से विकसित हो गई थी तो विकसित हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है 2600 से 1900 सौ बीस तक कहीं कहीं पे आप लोगों को 2350 या 2250 से ये 1750 भी मिल जाएगा बाईस सौ पचास से बारह सौ पचास ये भी कहीं मिलेगा बट आपको कहीं कहीं पे ये भी मिलेगा तो दोनों में से दोनों आप इसको लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है फिर इसके अलावा आता है हड़प्पा का आखिरी फेज आता है जहाँ पर उन्नीस से तेरह सौ बीस तक मतलब इसका हड़प्पा का आखिरी फेज था जब हड़प्पा सभ्यता खत्म होना शुरू हो गई थी हड़प्पा सभ्यता बूढ़ी हो गई थी और आखिरी में जाके ये खत्म हो जाती है तो ये हड़प्पा सभ्यता के फेज़ माने जाते हैं क्लियर यहाँ तक अब यहाँ तक कोई डाउट है किसी को जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं किसी तरीके का काजल गरिमा प्रशांत गीमू ढाकर और मिन आ, मिनल देवड़े काजल यादव प्रशांत एंड कुलदीप चला गया आए थिंक कुलदीप कहाँ गया भाई सर पी से पढ़ाओगे तो नोट्स कैसे बनाएं आप बेटा पढ़ो आराम से ठीक है जो नोट्स बनाने जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं अभी लिखूंगा उनको आप नोट कर लीजिएगा बाकी आपको पी आपको ऐसे मिली जाएगी ठीक है बेटा कुलदीप धाखड़ चलो गुड इवनिंग जीएस एस पार्टशाला फोर गुड इवनिंग सर कालींगा में लकड़ी की नालियां हाँ नालियां हा, नालिया पाई थी वो भी अभी बात कराऊंगा क्वेश्चन में आएंगे कुछ पॉइंट आपके थ्योरी से कवर हो जाएंगे कुछ पॉइंट आपके क्वेश्चन से भी कवर हो जाएंगे सो डोंट वरी अबाउट इट ठीक आगे देखेंगे कुछ अर्ली हड़प्पा फेज की बात करेंगे तो याद रखना कि ये हमारा हाकड़ा फ़ेज से संबंधित माना जाता है तो ये अर्ली हड़प्पन फेज जो है ये अर्ली हड़प्पन फेज आपका किससे संबंधित माना जाता है ये हाकड़ा से संबंधित माना जाता है और यहाँ देखेंगे हाकड़ा रिवर वैली कहाँ पड़ती है तो घग्गर नदी में पड़ती है हाकड़ा रिवर वैली ये सवाल भी डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हाकड़ा जो रिवर वैली है वो कहाँ पर पड़ेगी तो पड़ेगी आपकी कहाँ पर वो घग्गर में पड़ेगी ठीक है इसके अलावा यहाँ से संबंधित देखिएगा कि ट्रेड नेटवर्क की बात करते हैं अगर व्यापारिक हम नेटवर्क की बात करते हैं तो व्यापारिक नेटवर्क भी स्थापित किए गए थे हड़प्पा साइड में और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साइड में जहाँ पर आपको कल्टिवेशन मतलब क्रॉप से रिलेटेड आपको क्रॉप वगैरह में आपकी मटर सीजम और इसके अलावा आपका खजूर वगैरह कॉटन वगैरह ये सब का क्या होता था एग्रीकल्चर किया जाता था और जो चीज़ ज्यादा होती थी जैसे कि कॉटन सील वगैरह और जो मोहरे बनती थी इन सब का व्यापार भी किया जाता था और एक व्यापारिक केंद्र था जिसको बोलते थे बेब क्या बोलते थे सुर, सुरकोता राइट उसको वो जाएंगे मतलब इन देंस कि बेबुलोन से क्या थे व्यापारिक संबंध भी माने जाते थे और सिलोन से भी व्यापारिक संबंध माने जाते थे तो सिलोन यानी कि क्या हो जाएगा श्रीलंका राइट तो श्रीलंका से भी आपके क्या थे आपके व्यापारिक संबंध यहाँ पर पाए गए हैं इसके अलावा अगर टाउन प्लानिंग की बात करते हैं अगर हम यहाँ पर टाउन प्लानिंग या किस तरीके का इनका बना हुआ था शहर कैसा बना हुआ था तो इसमें आपको तीन चार चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी पहली बात याद रखेंगे कि हड़प्पा और मोहन इन दोनों के पास अपना क्या था आपका सीटा डेल था सीटा डेल के साथ साथ में इनका निचला शहर भी था और इसके साथ साथ में इनके पास मतलब बोले तो ऐसा माना जाता है कि शासक वर्ग जो होते थे या फिर जो नोबल्स होते थे जो अमीर लोग होते थे जो रईस लोग होते थे वो रहते थे कहाँ पर इस हड़प्पा सभ्यता के आसपास यहाँ पर पाए जाते थे ठीक है बात पहला पॉइंट नोट करेंगे इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कि लोअर टाउन मिला है लोअर टाउन यानी कि जो निचला शहर मिला है जहाँ पर लोगों ने जो अपने घर हैं किसके बना रखे हैं यहाँ पर ब्रिक हाउस बना रखे हैं यानी कि मिट्टी सॉरी उसके ईंटों के घर जो है बना रखे हैं और यहाँ पर ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है ग्रिड सिस्टम ग्रिड प्रणाली ये ग्रिड प्रणाली क्या होती है ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि जब रोड वर्टिकली काटते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर तो 90 डिग्री पर जब रोड एक दूसरे को काट रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड सिस्टम बोलते हैं या फिर ग्रिड प्रणाली के नाम से भी हम लोग जानते हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं इसके अलावा जली हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है कोर्ट पाया गया है बाथरूम पाया गया है और यहाँ पर पानी के निकासी की व्यवस्था पाई गई है और घरों में किचन पाई गई है घरों में ही शौचालय पाए गए हैं उन शौचालय से निकलने वाला पानी की व्यवस्था अलग है नालियों की व्यवस्था अलग है इस तरीके से रोड बनाए गए थे इस तरीके से कि हवा चलती थी रोड ऑटोमेटिकली कूड़ा कचड़ा तो ऐसे ही साफ़ हो जाता था पत्तियाँ पत्तियाँ ये कल्चर था कि इसका हड़प्पा सभ्यता का इसीलिए इसको हम लोग अर्बन कल्चर के नाम से भी जानते हैं या इसको हम लोग शहरी सभ्यता भी कहते हैं कि ये जो सभ्यता थी कैसी थी शहरी सभ्यता थी क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम था जिस तरीके से देख रहे हैं आप ये महानगरों में देखने को मिलता है जो कि यहाँ देखने को मिला था इसलिए और जो आर्यनस माने जाते हैं यहाँ पर आर्यनस जो थे वो झोपड़ झोपड़ झोपड़ी में रहते थे बकरी गाय इन सब का पालन करते थे और अनाज वगैरह उगाते थे इस वजह से आर्यन की जो सभ्यता है या फिर वैदिक सभ्यता है उसको सबको क्या मानते हैं ये ग्रामीण सभ्यता कही जाती है ये क्या कही जाती है ग्रामीण सभ्यता जो है कही जाती है ठीक है तो ये दो पॉइंट आप लोग नोट करेंगे ठीक आगे बढ़ते हैं इसका सिंग इस लेना हो ले लीजिएगा जो पॉइंट एक्स्ट्रा है वो लिख लीजिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ से और आता है जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं कृषि की बात करते हैं कृषि में क्या क्या आपको पॉइंट याद रखने हैं जहाँ से आपके सवाल बनेंगे जैसे कि अगर पूछा जाए कि ज़्यादातर जो उनके मैदान थे वो कहाँ थे बाढ़ के मैदान थे देखो सिंपल सी बात यह थी कि तब पहले हैंडपम्प हुआ नहीं करते थे ट्यूबवेल हुआ नहीं करते थे नहरें हुआ नहीं करती थी तो उस समय पर खेती करने के लिए क्या होता था खेती करने के लिए लोग क्या करते थे नदी के किनारे खेतों को बनाते थे जो तराई एरिया होते थे वहाँ पर खेतों को रखते थे और नदी से पानी से सिंचाई करते थे और उतना प्रोडक्शन नहीं करते थे कि उनको बहुत ज़्यादा व्यापार करना होता था या फिर बेचना होता था सोचो अगर आपके पास अभी आपको फ़ोन नहीं खरीदना हो ना फ़ोन ख़रीदना हो ना लैपटॉप खरीदना हो बड़ा घर नहीं बनाना हो और फ्रिज नहीं खरीदना हो वॉशिंग मशीन ना खरीदनी हो आपको महंगे शौक नहीं पालने हो आपको पब नहीं जाना हो आपको बाहर नहीं जाना हो और शादी में आपको पीस लाख का खर्चा ना करना हो और ये हॉस्पिटल ना जाना हो हाँ तो सोचिएगा ख़र्चा क्या रहेगा आपके पास सोच के देखा भाई आपने कोई खर्चा है आपके पास इसके अलावा खर्चा क्यों आदमी क्यों इतना पैसा कमाना चाहता है स्टेटस के लिए अच्छे कपड़े पहनने के लिए महंगे जूते महंगे शौक के लिए अच्छा फ़ोन रखने के लिए महंगी शादी करने के लिए ऐसो आराम के लिए खूब पार्टियाँ करने के लिए इन सब के लिए पैसा कमाता है ना फिर कोई जरूरत नहीं तो इतना नहीं इतना इनको एग्रीकल्चर करना ही नहीं होता था इनको एग्रीकल्चर कितना करना होता था जितने में इनका आपको वो हो जाए मतलब क्या हो जाए इनका निर्वाह चल जाए तो ये किस तरीके की खेती करते थे याद रखना ये निर्वाह कृषि करते थे कैसी करते थे निर्वाह कृषि करते थे निर्वाह मतलब जितने में खुद का गुजारा चल जाए मतलब ना किसी को बेचना है ना कुछ करना है और यहाँ पर ये यह भी देखा गया है कि यहाँ पर बाटर सिस्टम था बाटर सिस्टम बोलते हैं इसको बाटर सिस्टम क्या होता है कि लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा जैसे गांव में क्या होता है अभी भी अगर गांव वगैरह एरिया में जाओगे तो कुछ लेडीज़ होती हैं जो लेडीज़ जैसे होती है ना गांव की तो वो क्या कर दिए खेतों के आसपास कोई किसी किसी की लौकी उगी हुई है किसी की तुरई उगी हुई है किसी के मतलब सपोज डैट कि कुछ और उगा हुआ है तो एक्सचेंज होता है कि मतलब लौकी वाला तो उसके यहाँ से लौकी ले ली जो उसके यहाँ भिंडी हो गई वहाँ से भिंडी ले ली होता किसी देखा ऐसे गाँव में गाँव का कोई है आप में से हाँ अनाज देते हैं कोई है आप में से कोई गाँव का इस समय तो गाँव में ऐसे एक्सचेंज चलता है ना जिसके बाद जो खेती वर्ग की सब्ज़ियाँ हैं तो बोलती हैं कि वहाँ से ये सब्जी ले लो वहाँ से वो सब्जी लो ऐसे चलता है ठीक है मेरे गाँव में तो था मैंने देखा था उस टाइम पर ठीक है और इसके अलावा जैसे कि वो आता था पहले कुल्फी वाला आता था भूपू बजा के तो अनाज के बदले वो कुल्फी लेते थे याद है किसने किया गांव में ये सब जो गांव के होंगे उनको पता होगा राइट हाँ पहले होता था और तो वो कुल्फी वाला आता था तो उसे अनाज के बदले कुल्फी ले, ले लेते थे और एक वो आता था वो कौन सा आता था गड़बड़ झाला वाला आता था गड़बड़ झाला <laughs> या कुछ भी बोलते थे उसको कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोलेंगे तो वो कुछ ना कुछ देके वो चीज़ खाने के लिए ले लेते थे पैसे नहीं देने पड़ते थे राइट तो वो सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से था जिसको बोलते थे बाटेज सिस्टम कहा जाता था और ये चलता था इसके अलावा बैल जो थे ना बैल बैलों से खेती की जाती थी तो बैलों को जाना जाता था क्या खेती करने के लिए और इसके अलावा देखेंगे कि बैलों से जुधाई होती थी फिर नहरों के कुछ ट्रेसेस मिले हैं अब नहरों के ट्रेसेस कैसे मिले हैं जैसे कि अगर देखो सिंपल सी बात है कि बाई बाल्टी से तो पानी भर के डालेंगे नहीं कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करते थे कि नदियों जो नदियों का पानी है वो नदियों का पानी खेतों तक आ जाए इन्हीं को बोला गया था कि नहर बोला गया था और ये साक्ष्य हमको कहाँ पर मिले हैं पं याद देखेंगे कि ये आपके सुरतघही याद देखेंगे कि जो ट्रेसिस ऑफ कनाल्स मिले हैं यानी कि जो नहरों के साक्ष्य मिले हैं वो अफगानिस्तान में आपकी जो साइट है जिसका नाम है सुरतघह तो सूर्दगही आपके अफगानिस्तान से क्या मिले हैं नहरों के साथ मिले हैं ये बात याद रखना लेकिन कभी भी गलती में आप लोग पंजाब या सिंध लगा के नहीं आएंगे बच्चे क्या करते हैं बोलते हैं अरे नहरें पंजाब में होंगे पंजाब लगा देते हैं सिंध लगा देते हैं पंजाब या सिंध में नहरों के साक्ष नहीं थे नहरों के साथ मिले हैं आपको अफ़गानिस्तान में सूर्द से मिले हैं ठीक है इसके अलावा याद रखना कि यहाँ पर मोहन से क्या मिला है एविडेंस ऑफ क्या मिले हैं घोड़े के साक्ष मिले हैं कहाँ पर घोड़े के साथ मिले हैं मोहन से और लोथल में मिली हैं आपको टेरा कोटा की मूर्तियाँ अब टेरा गोडा की मूर्तियाँ क्या होती हैं जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं जो खिलौने बनाए जाते हैं बचपन में देखा हो खिलौने आते थे लड़कियाँ खेलती हैं ना वो गुड्डे गुड़िया का खेल वैसे गुड्डे बनते थे वो सब तो वो क्या होते थे आपके आ, क्या बोलते हैं ये खिलौने वगैरह मिले जैसे गोरखपुर अभी क्या है गोरखपुर किससे जाना जाता है तो गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए जाना जाता है फेमस है टेराकोटा के लिए यानी कि मूर्तियों के लिए फेमस है तो गोरखपुर अभी भी मूर्तियों के लिए फेमस है तो ऐसे ही मूर्तियाँ आपको मिलती थी कहाँ पर ये मोहन जोदलो इस्टेम पर वहाँ पर मिला कर दी सो जी आप मोहन जोदड़ो मूर्तियाँ थी मतलब कितना शांत माहौल था मतलब बार्डर सिस्टम था आपके पास है उससे बदल लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था कुछ नहीं था कोई ज़्यादा मतलब कोई जात नहीं थी कोई जात नहीं थी मतलब ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था ऐसा कुछ नहीं था कोई भी सेक्रीफाइज नहीं थे बहुत ज़्यादा यज्ञ नहीं होते थे धार्मिक चीज़ें नहीं थी और यहाँ पर जो ऊंच नीची बारी व्यवस्था थी ये एक तरीके से मानी जाती थी कि थी क्योंकि सीटा डेल था और निचला हिस्सा था तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो सकता है कि ऊंच नीच हो लेकिन इतनी ज़्यादा ऊंच नीच यहाँ पर नहीं पाई जाती थी पहला पॉइंट याद रखिएगा ठीक है तो ये सब सोच के देखिएगा और जब भी हिस्ट्री पढ़ो थोड़ा इमेजिन करके पढ़ा करो राइट मजा आएगा अब आगे देखते हैं यहाँ से अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी बात करते हैं तो ये लोग यहाँ पर मोहरें चलती थी मोहरें इन द सेंस की जैसे कोई भी चीज होती थी मोहर लगाई जाती थी और इन मोहरों का व्यापार भी किया जाता था इन मोहरों को बेचा भी जाता था राइट तो ये मोहरें हो जाएंगी इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर स्क्रिप्ट मिली है स्क्रिप्ट जो कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है ये बात याद रखना इसको कोई भी अभी पढ़ी नहीं पढ़ नहीं पाया ये पढ़ी नहीं गई है अगर ये पढ़ ली जाए तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठ जाए और जो भी यहाँ पर मिला है जो भी ये थ्योरी है वो सिर्फ़ एक अजमसन है जैसे कि मान लीजिए अभी क्रिकेट सम्राट है सचिन तेंदुलकर मान लीजिए क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं इनकी फोटो भी है मान लीजिए कि दुनिया भी खत्म हो जाए खत्म होने के बाद एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था क्रिकेट सम्राट पढ़ी होगी किसी में आप में से क्रिकेट सम्राट में क्रिकेट के बारे में सब जानकारी होती थी बड़ा शौक़ था उस टाइम पढ़ने का अब मान लीजिए वो मैगजीन मान लीजिए किसी को मिल जाए आज से करीब चार पाँच हज़ार साल के बाद और उसमें आप लिखा हो कि भाई भगवान जो मतलब सचिन तेंदुलकर क्या थे क्रिकेट के भगवान थे तो वो इंसान अपने में कैसे इमेजिन करेगा जैसे उसने भगवान को इमेजिन किया होगा वही इमेजनरी चीज़ भगवान के रूप में आ जाएगी पहली चीज जब वो बल्ले से गेंद मारते थे तो गेंद बिजली की रफ्तार से स्टेडियम के बाहर जाती थी तो ऑटोमेटिकली वो कुछ बिजली बिजली लगा देगा उसमें बिजली बिजली कड़के गए ऐसे करके राइट ठीक है गुरु जी आप असिस्टेंट हाई कोर्ट में धमाल मचा दिए मैंने कौन से धमाल मचा दिया भाई मैं तो बेबद देने ही नहीं गया तो याद रखना यह चीज तो वो ऐसी इमेजिन करेगा तो जो भी अभी हम आज देखते हैं ना भगवान कृष्ण भगवान राम या फिर महाभारत देखते हो वो बाढ़ जाता है एक बाढ़ से मतलब दस बाढ़ निकलते हैं और हद तो तब हो गई वो एक बाढ़ में थप्पड़ बन जाता है वैसे थप्पड़ मार किया जाता है तो ये सब इमेजिनेशनस हैं राइट आगे बढ़ते हैं इसके बाद व्यापार होता था स्टोन्स का व्यापार होता था यानी कि यहाँ पर जो पत्थर वगैरह होते थे उनका व्यापार होता था महंगे पत्थर जो होते थे इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर मेटल सेल इन सब का व्यापार किया जाता था और याद रखना यहाँ पर अफग़ानिस्तान में एक ट्रेडिंग कॉलोनी भी पाई गई है ट्रेडिंग कॉलोनी जिसको बोला गया क्या उत्तरी अफगानिस्तान में व्यापारिक उपनिवेश के साक्ष्य में मिले हैं जो कि सेंट्रल एशिया से क्या करता था व्यापार को स्थापित करने के लिए ये जाना जाता है ठीक है बात ये ट्रेडिंग कॉलोनी मिली है चलिए हाँ बांध से थप्पड़ हाँ थप्पड़ वाला बाढ़ मारो प्रभु हाँ वही तो देखा होगा आपने किसी न किसी ने वो एड में था किसी में राइट चलो आप लोग सेशन को देखो शेयर कर दीजिए जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबको लेके आइए एक बार सेशन को सक्सेसफुल बनाइए ठीक है जीरो टू डॉट बोल रहे हैं सर आपके पढ़ाने का तरीका शांतिपूर्वक है और जो पढ़ाए है वह फंसा है धन्यवाद यार जीरो टू डॉट रुलाओ मत यार रो दूंगा <laughs> देखो यार अच्छे से पढ़ते रहो आप सब लोग सारे के सारे लोग एक बार मैं सत्संग को शेयर कर देता हूँ कहाँ बच्चे जा रहे हैं अब जो, जो पढ़ा रहे हैं उसके बाद बच्चे भाग रहे हैं अब बताओ तो क्या किया जाए बताओ ऐसा क्या कर दें बताओ टीचर हूँ पढ़ा ही सकता हूँ लेकिन पढ़ाने बच्चा रुकता का है ज्यादा अच्छा पढ़ा दो तो कम बच्चे आते हैं ये भी सच्चाई है ज्यादा अच्छा पढ़ा नहीं चाहता कोई ज्यादा अच्छा पढ़ा दो तो खुद की में जो खतरा है बच्चे बोलेंगे ये तो वेब को बना रहा है ये तो टप पढ़ा रहा है ये तो आता ही नहीं एग्ज़ाम में हटो निकलो ऐसा होता है और जहाँ फिर उसको मतलब लटके झटके मिलते हैं फिर वहाँ जाके लटकता झटकता है वो भी चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अलावा देखते हैं कि हड़प्पा में अगर क्राफ्ट्स की बात करें अगर हम शिल्प की बात करते हैं तो शिल्प में देखेंगे क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिलती हैं जैसे कि पहली चीज़ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ ब्रॉन्च ध्यान रखना यहाँ पर विनिर्माण और कांसे का उपयोग खूब दबाके हुआ है तो कांसे का उपयोग हुआ है राइट वॉइस कम आ रही है वॉइस किसको किसको कम लग रही है ज़रा बताइए वॉइस किसी को और किसी को भी कम लग रही है ज़रा बताएं वॉइस को चलिए वॉइस कम लग रही है। किसको, किसको वॉइस कम लग रही है क्लियर है वॉइस ऑल ओके है आप थोड़ा सा अपना माइक चेक करिए बेटा ठीक है इसके अलावा देखते हैं बेटा कि देखो डिस्टर्ब ना करो बहुत अच्छा फ्लो चल रहा है चलने दीजिए जैसे क्या होता है ना जब आप एक तरीके से पर्दे चले जाते हो ना तो फिर इमेजिनेशन में आप चले जाते हो वहीं पर वैसे पढ़ो याद हो जाएगा बता रहा हूँ बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगा तो याद नहीं हो पाएगा बता रहे हैं तुमको अब देखो यहाँ से क्या होता था कि यहाँ पर एक सवाल आया था यू पी डब्ल्यू सी पी में कि खेतरी में कॉपर की माइंस मिली हैं जहाँ से हमको ये साथ मिलते हैं कॉपर का इस्तेमाल करना भी ये लोग जानते थे ब्रोंज का इस्तेमाल करना भी ये लोग जानते थे और इसके साथ साथ में टिन के भी साथ मिले हैं लेकिन टिन का यहाँ पर उत्पादन नहीं होता था टिन क्या मंगाई जाती थी बाहर से इम्पोर्ट की जाती थी वो कौन सी जगह है जहाँ पर टिन को इम्पोर्ट किया जाता था तो टिन को जो इम्पोर्ट किया जाता था वो कहाँ से किया जाता था अफगानिस्तान से टिन को क्या किया जाता था इम्पोर्ट किया जाता था राइट तो अफगानिस्तान से टिन को क्या करते थे इम्पोर्ट करते थे ये बात याद रखना इसके अलावा ये लोग बोट बनाते थे बोट मेकिंग करते थे इसके अलावा ये लोग बीड बनाते थे बीड मेकिंग करते थे यानी कि मनके बनाते थे सील का निर्माण करते थे टेराकोटा बनाते थे यही सब इनका क्या होता था इनका आर्थिक आर्थिक इनका क्या था ढांचा था राइट इसके अलावा गोल्ड इसमें यानी कि गोल्ड का यूज करना भी ये लोग जानते थे ज्वेलरी बनाते थे चांदी का यूज करना जानते थे सोने का यूज करना जानते थे और कई सारे स्टोन्स का यूज करना भी ये लोग जानते थे और यहाँ पर जो पोर्टस व्हील होती है यानी कि जो कुम्हार का जो चक्का होता है ये पोर्टस व्हील भी यहाँ पर आपका मिला है जहाँ से ऐसे घुमाते हैं उसको ऐसे करके फिर वो ऐसे करके ना बर्तन बनाते हैं तो मिट्टी के बर्तन भी उस टाइम पर बनते थे राइट इसके अलावा यहाँ पे याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हमारे हड़प्पा वाले हैं हड़प्पा वाले किस किस मेटल का यूज करना जानते थे तो आप यहाँ पर छोटी सी ट्रिक है उसको याद कर लीजिएगा जैसे कि आप इतना याद करिएगा सोचता सिटी याद करिएगा तो सा से क्या हो जाएगा सोना ये सोने का यूज करना जानते थे सा से क्या हो जाएगा चांदी चांदी का यूज करना जानते थे ता से क्या हो जाएगा तांबा तांबा का यूज करना जानते थे सा से क्या हो जाएगा सीसा शीशे का यूज करना जानते थे और टाँ से क्या हो जाएगा टिन ये टिन का इस्तेमाल करना भी जानते थे इतने मेटल्स का ये यूज करना जानते थे ऐसे इसको क्या कर लिया आप लोग याद कर लीजिए ठीक है बात आयरन का इनको पता नहीं था लोहे का इनको नहीं पता था लोहा नहीं बना पाते थे लोहा का इस्तेमाल नहीं होता था लोहा का इस्तेमाल तो ऋग्वेदिक काल में भी नहीं हुआ है लोहे का इस्तेमाल जो हमको देखने को मिला है वो कहाँ मिला है उत्तर वैदिक काल में मिला है जब ये लोग सिंधु नदी को छोड़कर सिंधु वाले एरिया को छोड़कर जब गंगा वाले एरिया में आए हैं तब जाके लोहे का उपयोग हुआ है लोहे का इस्तेमाल इस टाइम पर नहीं हुआ था ये बात याद रखना राइट आगे बढ़ते हैं इसके साथ यहाँ पर अगर रिलीजन की बात करें धर्म की बात करें तो धर्म के मामले में ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब आपको यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर आपको और कोई धर्म मिल जाए अभी तो कुल हज़ार करोड़ों देवता हैं अब तो अगर आप ऑरेंज कलर का कुछ पहन रहे हैं भगवा कलर का कुछ पहन रहे हैं तो सोच समझ के पहनिएगा कहीं आपको कोई उठाना ले मार्केट से पहली चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वुमेंस की महिलाओं की क्या मिली है आपकी कई टेरा कोटा मूर्तियाँ मिली हैं राइट तो टेरा कोटियाँ मूर्तियाँ जो हैं वो मिली हैं ये बात याद रखना ये बात नोट करेंगे यहाँ पर टेराकोटा क्या मिली यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं ठीक है देखो इंडिया क्या है ना एक सेकुलर कंट्री है इंडिया जो सेकुलर कंट्री है भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है यहाँ पर सभी धर्मों को समान वो है छूट है ठीक है और अगर जब तक कोई चीज इंडिया के लिए ना बुराइटली बोझ तो उस पर ज्यादा वो नहीं करना चाहिए मेरा मानना तो ये है राइट सबको आराम से रहने दीजिए शांति से सा वाला देश है हमारा भारत इसके अलावा देखेंगे टेराकोटा क्या होता है टेराकोटा होता है बेटा लकड़ी जो आपका मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनती हैं मिट्टी के जो खिलौने बनते हैं उसको टेरा कोटा कहा जाता है राइट टेरा कोटा ठीक है इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कि इसके अलावा यहाँ पर अर्थ की पूजा होती है अर्थ की पूजा देखी मानी गई है इसके अलावा आपको फर्टिलिटी गोडेस माना गया अर्थ को यानी कि जन्म देने वाली माँ के रूप में जाना गया है तो अर्थ की पूजा यहाँ पर हुई है इसके अलावा यहाँ पर नील को भी यहाँ पर माता माना गया है तो नील की पूजा हुई है जो इजप्तियंस के द्वारा की जाती थी तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में शक्ति मानी जाती थी माँ की पूजा की जाती थी और यहाँ पर योनि की बरसि भी की गई है योनि की पूजा भी यहाँ पर की जाती थी और यहाँ पर यहाँ देखेंगे कि जो हमें पशुपति महादेव मिले हैं तो पशुपति महादेव के बारे में बताएं इनके एक इनके आसपास एलिफेंट पाया जाता है एक चीता पाया जाता है राइनोसोर पाया जाता है और एक बफेलो पाई जाती है जो कि इनके नीचे है याद रखना ये चीज़ और दो नीचे क्या रखे हैं पैरों के पास में दो हिरन है तो ये पांच जानवर यहाँ पे मिलते हैं और इनको कहा गया है पशुपति महादेव क्योंकि जानवरों के बीच में हैं ये तो इन्हें इसीलिए इनको पशुपति कहा गया नहीं राष्ट्रपति राष्ट्र का पति राष्ट्र का वो होता है राष्ट्रपति पशुओं का पति मतलब पशुपति और पशुपति महादेव कहा गया है इनको राइट तो उस समय पर भी महादेव के जिक्र यहाँ पर किया गया है और अगर पूछा जाए कितने जानवर मिले हैं तो एलिफेंट टाइगर रायनासोर बफेलो चार और एक हो जाएगा आपका हिरन पांच तरीके के जानवर हैं और टोटल जानवरों की जो संख्या है वो कितनी है छः है दो हिरन हो जाएंगे बाकी चार ही हो जाएंगे तो छह क्या मिले आपको यहाँ पर जानवर मिले हैं राइट यहाँ पर देखेंगे आगे और किसकी पूजा करते थे लोग और तो कुछ की करते नहीं थे और हाँ इसके अलावा ये लोग नेचर की पूजा करते थे पेड़ों की पूजा करते थे जानवरों की पूजा करते थे पक्षियों की पूजा करते थे इन सब की पूजा की जाती थी इनके द्वारा ठीक है पशु के राजा इसके अलावा अगर बात करें डिक्लाइन क्यों हुआ डिक्लाइन की थ्योरी क्या क्या है तो डिक्लाइन की थ्योरी में बहुत सारी लोगों ने थ्योरी दी कुछ लोगों ने बोला कि बाढ़ आ गई होगी बाढ़ आने की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई कुछ लोगों ने बोला कि हो सकता है कि आर का अटैक हुआ क्योंकि तो घोड़े के साथ से मिले हैं और घोड़ों का जो सही यूज किया वो किसने किया आयरन्स ने किया है तो घोड़ों के साथ मिलने की वजह से कुछ लोगों ने यह बोला कि आर के आने की वजह से खत्म हो गए कुछ लोगों ने बोला कि ये लोग कहीं से ट्रांसफर हो गए वहाँ पानी कमी हो गई होगी कुछ लोगों ने बोला कि नदियों का रुख बदल गया होगा वो मिल गया होगा लेकिन कई सारे कारण हैं जैसे कि अगर एक थ्योरी ये कहती है आर एंस ने इन्वेट किया आर ने अटैक किया और आर के अटैक करने के बाद ये जाति अपने आप पूरी तरीके से खत्म हो गई कुछ जगह से हमको ये भी साक्ष्य मिलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि आर बहुत ही शांति प्रिय लोग थे ये भी मिलता है तो ये थोड़ी सी कंफ्लिक्ट वाली थ्योरी है सच क्या है वी डोंट नो और आर की अगर बात करें तो आपको पता है आर इंडिया रेस नहीं है लोग ना बी आर आर एंस आर्य पुत्र हैं तो आर एंस इज नॉट इंडियन ठीक है तो कभी सुना होगा आप लोगों ने हम आर्य पुत्र हैं आर्य पुत्र राइट तो आर्य पुत्र इज नॉट इंडियन आर की जो एक्चुअल जो रेस पाई जाती है यानी कि उनकी जो जो प्रजाति पाई जाती है वो आपका जो जर्मनी वाला एरिया पाया जाता है जर्मन्स जर्मन्स अफगानिस्तान ये सब एरिया जो आपका पड़ता है ये जो एरिया है वो एक्चुअली में आरेंस का बर्थ प्लेस माना जाता है आरेंस क्या होते हैं आरेंस एक वीड अलग एक एक प्रजाति होती है मतलब इंसानों की ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं एग्रेसिव के साथ थोड़े लड़ाकू होते हैं इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे क्रिएटिव भी होते हैं राइट हाइट ज़्यादा होती है छः फिट के आसपास या साढ़े पाँच छः फिट की हाइट होती है हाइट के अलावा इनकी नाक जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है बाहर की तरफ निकली हुई माथा चौड़ा होता है रंग साफ होता है इवन भी लड़कियाँ भी लंबी होती हैं रंग साफ़ होता है नाक लंबी होती है राइट गोरी होती हैं राइट तो ये सब पूरा आरेंस है आप एक बेल्ट उठा के अगर देखोगे तो पंजाब वाला एरिया पंजाब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान अफगानिस्तान और ऊपर बढ़ जाओगे तो ये पूरी की पूरी जो बेल्ट आपको दिखाई पड़ रही है ना इस बेल्ट में रहने वाले लोग एक जैसे हैं एग्रेशन कोट कोट के भरा हुआ है जितने भी आतंकवादी संगठन चलते हैं वो इस एरिया में चलते हैं राइट सुंदरता के मामले में बात की जाए तो सुंदरता के मामले में भी ये लोग बहुत सुंदर होते हैं लंबाई चौड़ाई है इनकी सबकी एक जैसी होती है चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात कर लें चाहे पंजाब की बात कर लें अफगानिस्तान की बात कर लें पाकिस्तान की बात कर लें बलूचिस्तान की बात कर लें आपका इधर जो सेंट्रल एशिया पाया जाता है इसकी बात कर लें तो यहाँ के जो लोग हैं वो एक जैसे ही मिलते हैं राइट देखने में और वैसे भी राइट उनके खाने पीने का कल्चर भी वैसा ही होता है थोड़ा सा वैसा खाना खाते हैं मतलब थोड़ा सा हाई कैलोरीज वाला राइट ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर और जो हम लोग जो इंडियंस हैं इंडियंस की बात करते हैं फिक्स सेंड करो सर्च करने पर दिखेगा कैटिना सर पिक दिखा दो पिक किसकी दिखानी है हाँ जाट टाइप में होगा ठीक है हो आगे बढ़ते हैं इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो यूरोपीय जनजाति थी यहाँ पर बोला गया था और क्या था यहाँ पर क्लाइमेट रीजन भी बोले गए किसी ने बोला कि ये क्लाइमेट रीजन है किसी ने बोला कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस है मतलब क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पर जो आपका भूकंप की वजह से भी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ और बात करें कि पैटर्न्स में भी क्या हुआ चेंज हुआ हो सकता है कि वर्षा के पैटर्न में चेंज हो गया हो रेनफॉल में चेंज हो गया हो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे शिफ्ट हो गए होंगे ये भी बोला गया और ड्रामेटिक शिफ्ट इन द रिवर कोर्सेज मतलब नदियाँ क्या करती हैं जैसे जैसे चल रही हैं तो अपना क्या कर रास्ता बदलती हैं जैसे कभी ऐसे हो जाएंगी ऐसे रास्ता बदलती हैं तो र, हो सकता है रास्ता बदल दिया हो जिस वजह से लोग क्या हो गए वहाँ से आके शिफ्ट हो गए लेकिन सवाल ये है कि इतना डेवलप्ड एक साइट नहीं है ना चौदह साइट हैं उस पूरे चौदह साइट को छोड़कर ये लोग कहाँ चले गए ये सवाल आखिर का काफ़ी पूछा जाता है और जिसने अटैक भी किया होगा वो यहाँ रहा क्यों नहीं तो कई सारी थ्योरी हैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है राइट ठीक है चलिए इसके अलावा बढ़ते हैं ये देखिए आप ये हमारे क्या है पशुपति महादेव हैं ये देखिए यहाँ पर एक जानवर आपका ये दिखेगा राइट ध्यान से देखना <laughs> एक जानवर ये दिखेगा इसके अलावा एक जानवर देखिए ये आपको दिख रहा है गेंडा जैसा कुछ दिख रहा है और ये आपको यहाँ दिख रहा है बफेलो ये आपको भैंस दिख रही है फिर इधर आओगे तो ये आपको चीता दिख रहा है ये दिख रहा है आप लोगों को और ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये आपको हिरन दिख रहे हैं राइट ये हिरन है जिसमें एक टूटा हुआ है टूटी ही मोर मिली है और बीच में बैठे हुए हैं पशुपति महादेव ये देख रहे हैं पूरा ये ऐसे करके बना के पूरा ये मुकुट है इनका और ये इस तरीके से बैठे हुए हैं इनको पशुपति और ध्यान की मुद्रा है आप देख पा रहे होंगे ध्यान की मुद्रा है तो ये पशुपति महादेव इनको जो है वो कहा गया राइट तो ये सील भी यहाँ पर आपको प्राप्त हुई है ठीक है क्लियर है चलिए आगे बढ़ेंगे हाँ मैनी थिंकर मैनी कॉन्सेप्ट एकदम सही बोल रहे हैं और हम्म इसके अलावा एक चीज आप देखना यहाँ ये लोग नीलम के पत्थर जो होते हैं नीलम के पत्थर यानी कि जो पत्थर होते थे उनका यूज करते थे और उन पत्थरों का जो व्यापार किया जाता था वो व्यापार या जो ट्रेड करते थे ये लोग ये लाते थे इस जगह से लाते थे इस जगह का नाम क्या है नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो यहाँ से लाते थे ये ठीक है हिंदू कुश हिंदू कुश की पहाड़ियाँ क्रॉस करके जाते थे और अफगानिस्तान से ट्रेड किया जाता था और इसके अलावा हिंदू कुश की पहाड़ियाँ कुछ ऐसी हैं इनको क्रॉस करके जाते थे वहाँ से भी इनका व्यापार और ट्रेड चलता था राइट ये देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में और सुंदर है उतना ही क्या है आप रहने के लिए ये उतना ही खतरनाक माना जाता है ठीक है बात हाँ मैक्स मुलर ने दिया था मैं आर के बारे में बताऊंगा आपको बाद में अभी जब वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा तो आर के बारे में बताऊंगा मैक्स मिलर की थ्योरी है और इसके अलावा ईरान की जो जैन एवेस्टा बुक है उसमें भी थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में ठीक है मैं बताता रहा हूँ आपको आपकी जो क्लास रहेगी आपको रिग्रेट नहीं होगा आपको यही लगेगा टाइम वेस्ट हुआ मैं सच बता रहा हूँ एक महीना के बाद इतिहास में कुछ ही चीज़ें होंगी जो बचेंगी राइट आगे बढ़ते हैं आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं देखते हैं आपने क्या सीखा आज कंसिडर द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं इन तीन स्टेटमेंट बताना आप लोगों को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका कौन सा है सही तरीके से मेल नहीं खाता है मेल नहीं खाता है नहीं पूछा है ध्यान रखना है चीज़ नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा हो जाएगा चलो भाई बताओ ब्यूटीफुल थिंग्स आर डेंजरस लाइक माउंटेन्स एकदम गेमू ढाकर जी बहुत अच्छी थ्यूरी हुई आपकी जो जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक होता है और जरूरी नहीं कि जो खतरनाक हो वो खूबसूरत बट हाँ खूबसूरत चीज़ें खतरनाक होती हैं चलिए अच्छी थी आपकी अच्छा लगा वेरी गुड यहाँ पर देखो अब यहाँ से एक चीज़ नोट करना जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पर कि देखो यार चौंदड़ो बात करें चौंदड़ो जो सिटी विदाउट सिटा डेल है एकदम से सही बात है धोलावीरा में जो डॉकयार्ड है यानी कि जो पोतगाह है ये धोलावीरा में नहीं मिला है पोतगाह में कहाँ मिला है ये मिला हमको कहाँ पर ये लोथल में मिला है लोथल और धोलाबीरा में क्या मिला है यहाँ पर ये यह हमको यहाँ पर वाटर जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट की बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल हमको देखने को मिला है जल प्रबंधन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमको देखने को यहाँ पर मिलता है धोला बीरा से ठीक है इसको क्या करेंगे आप नोट कर लेंगे क्लियर तो सी और राखी गढ़ी क्या है सिंधु घाटी की सबसे बड़ा भारतीय स्थल हो जाएगा राखी गढ़ी ये भी सही हो जाएगा लेकिन यहाँ पर देखते हैं धोलाबीरा जो है आपका ये नोट कर लीजिएगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो ओनली टू क्या हो जाएगा यहाँ से गलत हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ से अगला आता है कि यहाँ पे आपको दे रखे हैं चार स्टेटमेंट दे रखे हैं दिख रहे हैं आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं कि ये? आगे बढ़ जाऊँ अगर ये क्वेश्चन की विजिबिलिटी सही ना हो तो बताइए आगे बढ़ा दूँ विजिबिलिटी है दिख रहे हैं क्वेश्चन से जरा बताइए एक बार दीज क्वेश्चन आर विजिबल और नॉट दीज क्वेश्चन आर विजिबल और नॉट जरा बताएं दिख रहे हैं ठीक है आराम से करिए उसको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से करिए बढ़िया क्वेश्चन है ये अच्छे लेवल के सवाल हैं चलो आंसर लगाओ जल्दी से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा क्या हो जाएगा कौन सा सही पूछा गलत पूछा है हाँ चक्रुदा ऑप्शन बीच की करेक्ट इन्फॉर्म करेक्ट पूछा है करेक्ट पूछा है ठीक है चलिए आंसर बताइए आंसर जल्दी से ये चार ऑप्शन है आपके सामने ओनली ए बी डी ओनली सी ए एंड सी ये चार आपको क्या देगा ऑप्शन दे रखे हैं जरा बताएं ओनली ए आंसर आ रहा है देखो पहली बात तो ध्यान से देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह उस समय के सबसे प्रसिद्ध शासक थे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये गलत है क्यों क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध शासक नहीं थे हड़प्पा सभ्यता सबसे एक पुरानी साइट थी ये मैंने आपको पहली क्लास में कल ही बताया था जिस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं सेकेंड मोहन जोधड़ो से एक लड़की के बैठने की मुद्रा में मिली बैठी नहीं है लड़की जो है खड़ी हुई है खड़ी है कमर पर हाथ रखे हुए हैं करके खड़ी हुई है तो खड़ी हुई मुद्रा है ठीक है डांसिंग गर्ल है ना कि वो बैठी हुई है तो ये क्या हो जाएगा आपका आ, गलत हो जाएगा ठीक है थर्ड आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जौ गेहूँ दालें आदि फसलें उगाई जाती थी तो ये तो बता चुका हूँ हमें बारले मटर ये सब फसलें उगाई जाती थी तो ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा और उस समय हिंदू धर्म कोई धर्म था ही नहीं यार ये सब धर्म के बारे में तो हमको कुछ पता चला ही नहीं है तो क्या हो जाएगा सिर्फ सी वाला सही हो जाएगा बाकी सब क्या हो जाएंगे यहाँ से गलत हो जाते हैं केवल सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज़ करेक्ट अबाउट इंडस वैली सिंधु घाटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो सही है कौन सा तथ्य यहाँ पे सही हो जाएगा चार स्टेटमेंट दे रखे हैं आप लोगों को चार स्टेटमेंट बताना है जैसे कि कालीबंगन राजस्थान इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस सिंधु नदी किनारे कहाँ है कालीबंगन कालीबंगन तो घग्गर नदी के किनारे पाई जाएगी घग्गर नदी किनारे है ये कहाँ चले गए लोथल इट वॉज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर घग्गर अच्छा नहीं भाई कालीबंगा ने लोथल तो भोगवा नदी के किनारे है भोगवा किनारे है आगे बढ़ते हैं मोहन जदड़ो सिंध इट इज़ लोकेटेड इन द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ द केम्बे और बनावली जो है सरस्वती तो ये भी गलत हो जाएगा याद रखना और ये सही हो जाएगा आपको याद रखना बनावली जो है हरियाणा में है और ये सरस्वती नदी के किनारे पाई जाती है जो कि अभी मिट चुकी है सरस्वती नदी ख़त्म हो चुकी है तो हो जाएगा हमारा ये बनावली ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा कि इंडस वैली हाउसेस वर बिल्ट यूजिंग सिंधु घाटी के घरों को किसका उपयोग किया जाता है इसमें जितने भी सवाल आपके हैं ये सारे आपके पी सी एस यू पी एस आई लोअर पी सी एस एक दो सवाल यू पी एस सी के भी है पहला वाला सवाल जो था वो यू पी एस सी का था जो आप लोगों ने किया फर्स्ट वाला और इसके अलावा इसमें एस एस सी वगैरह सबके मिक्स सवाल हैं जो कि आपके यू पी एस आई और कॉन्स्टेबल में भी कई बार पूछे गए हैं उन सवालों पर फोकस है मेरा राइट तो अच्छे से आप करते रहिए सवालों को और जब भी आप कोई सवाल करेंगे समझ जाएगा किसी एग्जाम का सवाल आप लोग कर रहे हैं ठीक है तो सिंधु घाटी के घरों को किसका उपयोग करके बनाया गया था तो मड हो जाएगा ब्रिक्स हो जाएगा स्टोन हो जाएगा या फिर बेम्बूज तो यहाँ से देखिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है बी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे हनुमान की पूजा करते थे जय भजरंग काली की पूजा करते थे नहीं अयप्पा की पूजा करते थे नहीं पशुपति महादेव की फोटो मिली है और इनकी ही पूजा ये लोग किया करते थे राइट आगे बढ़ेंगे फिर बिज वन ऑफ़ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर इनमें से कौन सी सभ्यता जो है आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित हो जाएगी लोथल जो है वो भोगवा नदी किनारे है दिस इज किनारे ऑफ द भोगवा ये सिंधु नदी किनारे पाई जाएगी सिंधु हो गया ये आपकी कालीबंगन जो है घग्घर नदी के किनारे पाई जाएगी और हड़प्पा जो है आपका रावी नदी किनारे पाई जाएगी ये बात क्या करेंगे आप लोग याद करेंगे ठीक है क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था मुख्य प्रोफेशन क्या था यहाँ पर तो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज तो क्या था इनका एग्रीकल्चर वॉरफेयर हंटिंग फिशिंग तो कृषि ही हुआ करता था इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और दो स्टेटमेंट में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू या फिर नन ऑफ द एवअप आपने अभी देखा इलाहाबाद कोर्ट के एग्ज़ाम में जो कि पहले वन लाइनर के सवाल आया करते थे अभी उन्होंने स्टेटमेंट वाले सवाल भी पूछे हुए हैं मैचिंग वाले सवाल भी पूछे हुए हैं तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आगे आने वाले एग्जामों में मैचिंग वाले और स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा सकते हैं राइट चलो तो यहाँ पर देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग आपका uh, क्या स्टेटमेंट कि रेफरेंस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें आपको पूछना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा <coughs> जैसे कि सभ्यता की लिपि को भी किया गया है और इसे बाएं से दाएं लिखा गया है ये पढ़ी ही नहीं गई है तो उसके बारे में हम कुछ भी कह ही नहीं सकते हैं पहली चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति लॉस्ट बैक्स तेक्निक का उपयोग करके बनाई गई है और ये क्वेश्चन शायद लेखपाल में पूछा गया था ये स्टेटमेंट का एक सवाल बना के उन्होंने पूछे पूछा लेखपाल में या किसी एग्जाम में तो था अभी हाल ही किसी एग्जाम में कि जो हमारी जो कौन सी तकनीक का यूज किया गया है तो हो जाएगी हमारी कौन सी लॉस्ट बैक्स तेक्निक का उपयोग किया गया है तो ओनली टू इज़ दी राइट हो जाएगा इसका सही जवाब ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा नोट करेंगे कि यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट दे रखे हैं उन चार स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका कौन सा हो जाएगा नॉट ट्रू है मतलब ट्रू नहीं है चलो भाई बताओ चलिए बताए लोथल में डोक्याट अच्छा देखो रिलीजियस फैक्ट्री की बात करते हैं तो माता देवी शक्ति की पूजा होती थी बिल्कुल सही है इकोनॉमिक फैक्ट में डोकेार्ड हाइजीन फाउंडेज नहीं डोक्यार्ट नहीं यहाँ पर याद रखेंगे यहाँ पर ये लोथल में मिला है लोथल गुजरात में पाया गया है गुज्जू में पाया गया है इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर कि संस्कृति में मौजूद सत्य के माप और ये भी सही है ये भी सही है कि गलत ढूंढना तो था तो ये वाला गलत हो गया सिंपल सी बात है बी वाला क्या हो गया आपका गलत हो गया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा नोट करेंगे कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है सही कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब यहाँ पे देखेंगे पहला हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है और मोहन जोदोड़ा जो है आपकी आ, इंडस के किनारे है एकदम से क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा एक तो पहला सही हो गया करेक्ट पूछा ना ये तो पहला ही सही हो गया आगे जाना ही नहीं पड़ा पहला ही सही है अगला क्वेश्चन वेयर इज अ ल लोथल आ सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है जिसका नाम है लोथल कहाँ पर स्थित है अगर लोथल की बात करेंगे तो राजस्थान गुजरात पंजाब या हरियाणा किस जगह पर स्थित है लोथल तो लोथल इज़ अ सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड एट दी गुजरात गुजरात हो जाएगा राइट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ऑफ द मोहन जोदड़ो इज सिचुएटेड इन बिच विच कंट्री तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहन जोदड़ो साइट है पाकिस्तान में मिलेगी हड़प्पा भी कहाँ मिलेगी पाकिस्तान में मिलेगी राइट आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आलमगीरपुर तो आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित हो जाएगी पंजाब में है राजस्थान में है यूपी में है या फिर आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी तो यूपी में मेरठ जगह पड़ती है जहाँ से ये उत्तर प्रदेश में बिलोंग करती है कहाँ पर मेरठ हो जाएगी इसका सही जवाब ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्त इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी विकसित किया है तो कालीबंगन लोथल रोपड़ या फिर धौलाबीरा तो यहाँ से जाकर बेटा धौलाबेरा क्या हो जाएगी आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगी आपकी धोलाबीरा यहाँ पर मिला है आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है आज टाइम आपका हो चुका है क्वेश्चन मैंने कुछ आपका ऐड कर दिया है यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन एडेड है पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा इन क्वेश्चनों को बैठ के आप क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से राइट और देखिए एकदम पता नहीं चला कि घंटा कहाँ चला मुझे नहीं पता चला आई थिंक आपको पता चला होगा बट मुझे नहीं पता चला एक घंटा कहाँ पर है और देखो यार मैं फिर से आप लोगों से बोलूँगा आप लोग अभी बच्चे हो कुछ लोग आपको अभी जस्ट आप लोगों ने एक तैयारी शुरू की होगी एक दो साल रहे होंगे मैं आपको फिर बता रहा हूँ जहाँ भी पढ़ो लग पढ़ो एक जगह पढ़ो ये इधर उधर घूमने वाला चक्कर छोड़ दो याद रखना ठीक है वरना कहीं की नहीं रहोगे ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे घूमते रह जाओगे और उस गाने को मत गाओ कि देखो तुझे या देखो कुदरत के नजारे अभी कंटेंट देखो और जो आपके एग्जाम आएगा उसको देखो बाकी चीज़ें बाद में देखने को मिल जाएंगी और बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी सच्चाई बता रहा हूँ इसके अलावा आप लोगों का जो सेल चल रही है वो है आपका यूपी गवर्नमेंट जॉब की सेल है जहाँ पर आपको फोर फोर्टी में आपको ये सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन के साथ आपको यहाँ पर मिल रहा है राइट इसको परचेज कर लीजिए मेरा जो कोड है ए इसको लगा दीजिएगा ठीक है और पुलिस का जो आपका जो सेल चल रही है इसमें आपका टू सिक्सटी नाइन रुपीज़ में छः महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और यहाँ पे कोड आपको लगाना है मेरा ए इस कोड को लगा के आप यहाँ पर इसको जो है परचेज़ कर सकते हैं और तो ये विजय भव सेल है आप लोगों की ठीक है कोड यहाँ पे फिर से ए लगाना है टेलीग्राम ग्रुप की बात करेंगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ए पी एस एंड के नाम से जहाँ पे आपको क्लास की पी मिल जाएगी ठीक है और सेशन आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आखिरी में अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ की टाइमिंग बता देता हूँ पाँच से छः क्लास चलती है सुबह करंट अफेयर चलता है आठ से नौ तो आप लोग आना मत भूलिए जुड़ना मत भूलिए राइट अगर आपको ठीक है ये बहुत मज़ा आया स्टडी करने में तो ऐसे बढ़ते रहिए ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेंगी आपकी हिस्ट्री है जोग्राफी है पॉलिटी है इकोनॉमी है सब मैं आपको शुरुआत करवाऊंगा और इसके साथ साथ में पढ़ते रहिए ठीक है चलो फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय टाटा टेक केयर बाय बाय